इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो करती है वो अपने हिसाब से करती है, वो क्योंकि इस घटना की एजेंसी जांच चल रही है और जब ये जांच अब हमारी पुलिस भी कर रही है, इसके बाद जैसे सीबीआई इसको टेक ओवर करेगी तो सीबीआई निश्चित रूप से गहराई में जाकर के सब जांच करेगी। मैंने बताया आपकी पुलिस से क्यों, मैंने बताया कि अपनी एजेंसी की हर पल्ला जाने वाली बात है, सवाल आ गया आपको डर है कि कोई डर नहीं तो अभी तक जिन लोगों की तरफ उंगली गई है, जहां की भी बातचीत हमारे सामने आई है, नहीं कोई ऐसा नहीं, कोई मतलब नहीं। तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी गई है और सीबीआई भी थोड़ा टाइम लेती है, तो हम अपील करेंगे कि जल्द से जल्द जैसे ही हम चिट्ठी लिख दें और पहुंच जाए वो उसको एक्सेप्ट कर ले और जांच की जो तेजी है उसको बढ़ा दी जाए। और उसके साथ अनाउंस किया उन्होंने कि जो डिप्टी कमिश्नर है वो देखभाल करेंगे, 3 महीने तक टेक ओवर किया जाएगा, स्कूल को अपने अनुरूप चलाया जाएगा और उसकी जो भी चीजें होंगी, जो भी कमियां होंगी, खामियां होंगी, उसको उस पर रिपोर्ट बनाई जाएगी। तो मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा हम सुनते हैं जरा। बजाय हमारे डिप्टी कमिश्नर की देखरेख में वो स्कूल का मरीज पर काम करेगा, उसके बाद वहां की व्यवस्थाएं वो ठीक होने के बाद ही फिर उनका परिवर्तन सबसे तो मनोहर लाल खट्टर अभी मौजूद थे और आपको बता दें इसके पहले ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं प्रद्युम्न के घर पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री और माता के साथ नजर आ रहे हैं और प्रद्युम्न की मम्मी हैं और जाहिर सी बात है सांत्वना देते हुए नजर आए और कह भी रहे थे कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन उठाए जाएंगे।